नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और आप हैं किसान पाठशाला पर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तहत हम कुछ मुहिम चला रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, जिसमें बैम्बू फार्मिंग हो या बनाना फार्मिंग हो, सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ये फार्मूला है भूपेन भाई जो दिखा रहे हैं, ये 70-30 फार्मिंग का फार्मूला है केले का। भूपेन भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, ये 70-30 क्या है, ये धरती माँ के साथ में कैसे सपोर्ट में आ रहा है केले का खेती? जीरो टीलिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके खेत में कैसा होगा इसको प्लान करके? जैसे हम लोग कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हैं उसमें माँ प्रकृति की मदद करने के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, सिंपल सी बात है। यस, तो वो कैसे होगा? जितना ज्यादा हम कल्टीवेशन करेंगे, कार्बन कंटेंट उतना खत्म होगा, ह्रास होगा, उड़ते जाएगा। हाँ, और अब सबसे ज्यादा जरूरी है कार्बन। यस, है ना, और उसी को हम खत्म करते जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने कहीं देखा था, मैं आपको रोक रहा था, सुना भी था मैंने, साइंटिफिक वो डेटा भी निकाले थे कि स्वस्थ मिट्टी मृदा किसको कहते हैं, कि 25% नमी, 25% हवा, 45% मिट्टी और 5% कार्बन कंटेंट होगा, वो स्वस्थ मृदा है। और जीवंत मृदा में फिर उसमें बैक्टीरिया चाहिए। बिल्कुल, है ना, तो उसी की आप जिक्र भी कर रहे हो कार्बन का। बैक्टीरिया वहीं पर सर्वाइव होगा जहां पर कार्बन होगा और मिट्टी में जीवन होगा। मिट्टी में जीवन, अभी इतना केमिकल कंटेंट जमीन में डालने लगे हैं लोग, जिसकी वजह से उपज तो बढ़ी है पर कहीं ना कहीं इतना सारा बेक में चला गया है किसान। अभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ उत्पादन कम आने लगा है, कई सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो टेक्निकल किसान है वो भी बोलने लगे हैं। उसके पीछे रीजन है बड़ा सा केमिकल, वो जमीन को पूरा बिगाड़ दिया है। अभी 70-30 में क्या फार्मूला आप किसानों को दिखा? यहाँ 70-30 में सिंपल सा है, हम लोग 70% पौधे के लिए छोड़ रहे हैं, ये बीच वाला पड़ता ना। हाँ, ये वाला जो 70% में आ रहा है, ड्रिप टू ड्रिप 5 फीट है। बिल्कुल, और पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस है वो 7 फीट। ओके, ये तो इन्होंने गलत माना, फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड प्लांट। हाँ, ये फर्स्ट है, और सामने जिगजैग दिख रहा है, सामने जिगजैग दिख रहा है। ओके, ये बीच में नाली क्या दर्शा रही है? ये जो एक नाली है, एक बराबर है, ये बताइए। ये जो रूट डेवलपमेंट और पौधे को जो भोजन लेना है, ये 70% वाला एरिया इसके लिए छोड़ा है पौधे के लिए। हाँ, और ये 30% का एरिया जो हम बोल, जिसमें आप खड़े हो जी, तो ये नाली है, नाली है जो हमारे काम करने के लिए है। ओके, इसमें घूमना फिरना या जो भी हमें वर्क करना है वो इसके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये 70-30 का रेशियो निकल कर आता है। इसके अलावा एक्सीज पानी हो या फिर ज्यादा बारिश हो गई हो तो ये नाली के रूप में बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ड्रिप भी चला रहे हैं और कंटिन्यू बहुत ज्यादा देर चली गई तो वो वहाँ से पानी जमीन से निकल कर ये नाली में लीच होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये एक और मेन रीजन होता है इसका 70-30 का, तो एक ये यूज है इसका काफी अच्छा। वैसे बनाना फार्मिंग, आइए छाव में आते हैं। बनाना फार्मिंग जो मैंने देखा है, सुना है, वो पूरे भारत में एक बार प्लांटेशन करते हैं, दूसरी बार लेते हैं कुछ लोग एक ही बार में लेकर के वापस निकाल देते हैं, दूसरी फसल लेते हैं। तो उसमें कल्टीवेशन बहुत करते हैं, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती नहीं, फिर आपने फसल को काट के निकाला तो किसान का पैसा भी बहुत लग रहा है, उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन छोड़ने वाला जो प्रोसेस रहता है कि साल दर साल वो पौधा ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, तो वो चीज़ें होती नहीं है। जो मैंने आपके 70-30 फार्मूले में समझी है, ये जो नाली है इसको एक ही बार आपने नाली बनाई है, बाद में रिकल्टीवेट करोगे नहीं, ये जो आपने एक बार फील्ड को तैयार कर दिया, ये 70% जगह आज के बाद यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं चलाओगे नहीं ना होगा। कि चलाना है नहीं, बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं चलेगा यहाँ पर। ये जो सनहेम है ये भी शायद गर्मी से बचाने के लिए, केले के पौधे के लिए है, ये एक तो मेन रीजन इसका है गर्मी अभी बचाने के लिए, और बाद में टूट करके ये, हाँ, बायोमास अच्छा दन हो जाएगा ना, ये बायोमास कार्बन यही बनेगा। मक्का भी है जो इसमें, दोनों रीजन है कि यहाँ पर ये ठंडा वातावरण बनाएगा दो पौधों के बीच में, जब बड़ा होगा तो इसको यहाँ पर कट करके डाल। जीरो टीलिंग जिस जिस फील्ड में है, हाँ, धरती माँ के बछड़े वहाँ पर विचरण करते हैं, केचवे अर्थवर्म, बिल्कुल ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, और वो होल और पोल बनाते हैं जहाँ बायोमास आच्छादन है उसके नीचे, तो वहीं से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे खरगोन बड़वानी का टेम्परेचर हॉटेस्ट रहता है 47-48 डिग्री, तो हवा में अगर हम धरती माँ से 10 फीट ऊपर का टेम्परेचर नापेंगे तो अलग है, और मिट्टी के पास का टेम्परेचर नापेंगे तो शायद 3-5 डिग्री ज़्यादा आएगा, क्योंकि पानी बहुत नीचे चले गया है, तो पत्थर तप तप करके
गर्म फेंक रहे हैं ऊपर, बिल्कुल गर्मी को ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है और कार्बन को ह्रास कर रही है। तो ये जो टेक्निक है 70-30 फार्मिंग की, पूरा भारत इसे किसी भी फसल में फॉलो कर सकता है, कपास, मिर्च, टमाटर, भिंडी, कोई सी भी क्राप में। हमने अभी तरबूज लगाया था, हमने खुद ने इतना प्यारा रिस्पांस रहा और जिसने भी खाया है ना, वो बोलते ना कि गांव में गांव का अगर कोई कुछ अच्छा होता है तो शायद उसको रिस्पांस कम मिलता है, पर शायद मैं पहला किसान होगा गांव का जिसमें रिस्पांस काफी अच्छा मिला। लोग खेत से लेकर गए, घर से लेकर गए और टेस्ट इतना सुपर टेस्ट था। हीरो कल्टीवेशन में ऐसा कि हमने उसी में फिर से क्राप लिए, बिल्कुल, और इतना बेस्ट रिस्पांस रहा। हमारे यहाँ पे तरबूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और एकदम थोड़ी सी टेक्निक बताओ, केला लगाते समय क्या करना है? ये जैसे केले के पौधे आ गए, अभी यहाँ पानी दे रहे हैं, भर गर्मी में रखे हुए हैं, और ये ब्लू ट्रे दिख रही है, मतलब रेवा प्लस है ना, ये रेवा प्लस है। इसको कैसे पहली बार प्लांटेशन करोगे तो क्या प्रकोशन रखोगे, कैसे प्लांटेशन करोगे? ऐसे मुझे आपके ग्राफ तो दिख गया, 10 फीट पे नाली है, 7-7 फीट पे आपने सनहेम लगा दिया है, मार्किंग कर दिया है गड्ढे का, अब आगे कैसे लगाओगे? कीचड़ बना के उसमें क्या करने वाले हो, अभी क्या कैसे ध्यान दोगे इनमें? पौधा पहले तो देखिएगा, बहुत सुपर क्वालिटी है, बेस्ट है, नया जो सुई निकल रहा है जिसे हम पोंगा बोलते हैं, वो भी बेस्ट है, रूट का डेवलपमेंट भी बहुत सुपर आया हुआ है। तो इसमें जो सिम्टम ये दिखा रहा है, ये बेस्ट कैटेगरी के सिम्टम है। ओके, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने जहाँ पर मार्किंग करवाई है वहां पर कीचड़ बनेगा। ओके, तो कीचड़ बनाने का प्रोसेस ऐसा है कि गड्ढे में पानी डालना कब है, जब उसमें मिट्टी हो, गड्ढा खाली करके पानी नहीं डालना, डबरी नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है जी, ये सब किसानों को ये बताना है। उसमें मिट्टी डालना है, फिर से फिल करना है, जहाँ पर हो गई है वहाँ पे बाहर आ गई है वो, और उसके ऊपर एक लोटा मतलब आधा लीटर मिनिमम पानी उसमें लेना है, कीचड़ बनना चाहिए, कीचड़ बन जाए, मेल्ट हो जाए वो पूरा। और कीचड़ बनाने के बाद एक हाथ से मिट्टी को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है और दूसरे हाथ से पौधा रख के मिट्टी छोड़ देना है। ओके, मिट्टी को दबाना नहीं, प्रेस नहीं करना है, अगर प्रेस करेंगे तो मिट्टी फटेगी। ओके, वो भी नहीं करना है। ओके, अब ये जैसे ही वहाँ पर इस तरह से रहेगी तो मिट्टी के अंदर स्टीम बनेगी है, और जैसे ही स्टीम बनेगी अगले 24 घंटे में रूट डेवलप कर देगा इजी। अब कीचड़ बनाने वाले उस पानी में क्या क्या डाल रहे हैं? यहाँ पर अभी हम लोग डालेंगे, एक तो सिंपल सा है, सुक्रोज आएगा ही आएगा, वाइसेनोमेटा 200 लीटर पानी में, 200 ग्राम और पोटेशियम हुमेट वो कितना, वो भी 200 ग्राम, दोनों सेम मात्रा में लेना है। ओके, और बस फंगल और कीड़े से बचाने के लिए कुछ डाल सकते हैं? कहीं वाइट ग्रब बहुत ज्यादा रहता है, क्लोरो वगैरह ले सकते हैं, गर्मी ज्यादा है तो क्लोरो शायद अवॉइड करें। हाँ, पर अब दूसरा कुछ विकल्प में जाए तो डेंटाशू है, डेंटाशू कीचड़ बनाने में बहुत कम लगेगा, 20 ग्राम लगेगा 200 लीटर पानी में, बिल्कुल, क्योंकि उसकी पानी की मात्रा ज्यादा जा रही है। उसमें एक और भी काम कर सकते हैं, जिस भी किसान के यहाँ पे 2-3 रोज अगर वो रेस्ट करते हैं पौधे को लाने के बाद, तो पंप में 15 लीटर पंप में 15 ग्राम उसको लेकर इसकी ड्रिंचिंग यहीं पे कर दे, ये ट्रे में ड्रिंचिंग, ट्रे में ही ड्रिंचिंग कर दे, बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। हम वो सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब जो आगे बढ़ गया है वो फिर ड्रम में डाल दे 20 ग्राम डेंटाशू कीचड़ बनाते समय, वो वहीं पर इंस्टेंट डाल के, और प्लांटेशन जब करेंगे उसी टाइम जब पानी डालते हैं तब कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है भूपेन भाई, इतना जो टेम्परेचर और लू चल रही है, तो मैंने संदीप जी को भी बोला है कि आपका ये जो कितने एकड़ का प्लॉट है, 4 एकड़ का, तो इसे 3 दिन में लगाओ, दोपहर बाद प्लांटेशन करो, ताकि रात पूरी उस पौधे को हीलिंग होने के लिए मिल जाए, जितना कर सकते हो दोपहर बाद उतना करो, फिर दूसरे दिन कर लो, अगर मजदूर कम है तो तीसरे दिन में कर लो, रात भर में हीलिंग हो जाए तो सुबह की जो पहली किरण मिलेगी, धीरे 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 इसको ताप मिलेगा। ये एक्चुअली पूरे भारत के किसानों के लिए है कि गर्मी में पौधा कैसे लगाया जाए, बिना सनहेम बिना मक्का के नहीं लगाना है, और तरीके जो भूपेंद्र जी ने बताए कीचड़ बना के, और दोपहर बाद पिछले टाइम में 4 बजे बाद से लेकर 7-8 बजे तक लगाओ, सुबह मत लगाओ, नारायण ढलान पर होते, ढलान पर होते तब, तो गर्म हवाएं कम हो जाती है, तो रात के 12 घंटे हीलिंग के मिलेंगे, और दोपहर को 12 बजे तक जब तक लू ना चालू हो, तो 24 घंटे पूरा पौधे को सेट होने के लिए मिल जाएगा, एक भी गैप फिलिंग का नहीं आएगा नहीं, और पूरी बाउंड्री पर गन्ना घास चाहिए, जो ड्रिप आपने डाल रखी है, तो ये पूरी बाउंड्री पर गन्ना घास, डबल लाइन, रेवा प्लस 5x7 70-30 फार्मिंग एक्सपोर्ट
कैटेगरी का ये प्लाट बनेगा। और ये शायद आप जिया जी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत लगा रहे हो ना? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का थोड़ा किसानों को बताओ ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे वो आपसे जुड़े और उनको फायदे क्या देने वाले हैं आप इस खेत में, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो आपको क्या क्या इसमें लग रहा है और क्या क्या आपको बेनिफिट हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैंने यहाँ पे जमीन तैयार है, सारा खर्च भी किसान से हुआ है, पूरा पौधा वगैरह फर्टिलाइजर। ओके, तो इसमें 70-30 का रेशो है, 70% किसान का ही है। जमीन ड्रिप पानी आपका है? हाँ, खेत में काम आप करोगे? बिल्कुल। बाकी पौधा खाद दवाई लेबर पेमेंट सब बी किसान ग्रुप दे रहा है? बी किसान ग्रुप दे। ओके, इसमें 70-30 कैसा है, 70% बी किसान को दोगे? नहीं, 70% हमारा, क्यों पैसा तो बी किसान दे रहा है सब कुछ लगाने के लिए, उसको 30% देना है। ये जस्ट किसानों को सपोर्ट है जिसमें किसान केले की खेती की तरफ जाए और बड़वानी नर्मदा बेल्ट में एक्सपोर्ट का हब बने, इसके लिए हल्का सा सपोर्ट है। जब आप खुद सीख जाओगे तो कर लो। जो कर्जदार किसान है उनको ढूंढना है, उनको कर्ज से मुक्त करना है, इसके लिए बी किसान ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। और उसका केला कटने के बाद मात्र 30% ही रिटर्न लेगा, 70% आप किसानों का रहेगा। माल का तैयार कराना, उसमें सारा खर्चा करना और उसको अच्छे मार्केट में बेचना, बी किसान ग्रुप ये सारा कुछ कर रहा है। तो अच्छा है, आपके साथ मिल के बढ़ के आगे जा रहे हैं। आप अपना नंबर दीजिए ना ताकि किसान आपसे कनेक्ट हो सके। मेरा नंबर है 76488-38222। ओके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके भूपेन जी, काफ़ी किसान गाइडलाइंस के लिए तरसते हैं, आपका नंबर दीजिए ताकि उनको सही से गाइडलाइन मिलती रहे। 9755067944। ओके, थैंक यू।